नमस्कार। क्लास 8 बोर्ड प्रिपरेशन के अंतर्गत यह मैथ्स का पार्ट 7 वीडियो है। इस वीडियो में हमने फैक्टराइजेशन अर्थात गुणनखंडन से संबंधित प्रश्नों को रखा है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है -5a² + 25ab का गुणनखंड होगा, तो हमें बताना है कि इसका कौन सा गुणनखंड होगा। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो देखते हैं कौन सा हो सकता है, कैसे इसे हल करेंगे। -5a² + 25ab -5। ये 5a² का हम गुणनखंड कर दे रहे हैं, तो 5a into a प्लस ये 25 को हम ऐसा लिख सकते हैं -5 into -5 और फिर यहां into a into b। अब हम देख रहे हैं कि ये इस पार्ट में और इस पार्ट में कॉमन क्या है। तो पहला तो हमें दिख रहा है -5 है यहां भी और यहां भी, उसके बाद यहां a है और यहां a है, तो ये हमारा कॉमन हो गया -5a। अब हम देख रहे हैं यहां पर इधर क्या बच गया, तो इधर हमारा बच गया a प्लस के इस साइड में और प्लस इधर बच गया, इसको मंगा ब्रैकेट कर देते हैं, यहां -5 और ये b बच गया, तो ये हमारा हो गया -5a और ये a, ये प्लस माइनस जब होगा तो ये माइनस होगा 5b। तो हम देख रहे हैं कि ये कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, ये सी नंबर सही है। आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, 92² - 8² के लिए कौन सा सही नहीं है। तो आइए इसे भी हल करके देखते हैं। 92² - 8² तो हम एक आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं पहले, a² - b² = a + b into a - b। तो इसी आइडेंटिटी पर आधारित है, तो यहां हो जाएगा 92 + 8 * 92 - 8, और इसे जब हम जोड़ते हैं तो 92 और 8 ये कितना हो गया हमारा 100, और ये हो जाएगा 84, है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा 84 और ये गुना 100 किए तो 8400। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो है ये बी नंबर में है, ये जो है ये सी नंबर में है, और ये जो है ये डी नंबर में है। तो इसका जो हमने फैक्टराइजेशन किया तो ये तीनों आ जा रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा है ना, अर्थात हमारा आंसर हो गया ए नंबर। देखिए इन तीनों में से ये आ गया लेकिन ये वाला नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ए नंबर 92 - 8² ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, x² - 4 - 16 इसका गुणनखंड क्या होगा। आइए देखते हैं इसका हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। x²⁴ - 16 तो वह फिर उसी आइडेंटिटी पर जाते हैं, a² - b² + b into a - b। तो ये हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x² का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया x² + 4 और x² - 4।
तो यहां पर ये तो वैसा ही रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर। तो फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये तो ऐसा ही है। और ये देखिए फिर हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो इसे हम पुनः लिख सकते हैं एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू। तो ये कौन सा हमारा आ रहा है, ये देखिए सी नंबर हमारा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फोर, एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव के लिए कौन विकल्प सही नहीं है, कौन सही नहीं है ये बताना है। तो फिर से हम देखते हैं एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स माइनस फाइव, तो ये हमारा हो गया एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर। तो हम ये आइडेंटिटी पहले से जानते हैं, ए माइनस बी ये हमने पढ़ा है, होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इस पर ये आधारित है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू इंटू एक्स इंटू फाइव प्लस फाइव स्क्वायर। देखिए ए की जगह यहां पर एक्स है और बी की जगह फाइव है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस फाइव स्क्वायर। तो देखिए ये तो ये जो पहला है ये वाला है ए नंबर एक्स माइनस फाइव स्क्वायर, उसके बाद ये बी छोड़ दे रहे हैं, बी वाला यहां पर नहीं है। ये देखिए सी ये यहां पर है, ये अच्छा डी वाला देख रहे हैं, थोड़ा इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स। तो ये आइडेंटिटी एक और हमने पहले ही पढ़ा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये यहां पर हमारा इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस 25, ठीक है, और यहां पर माइनस 26। तो फिर हम देखेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस 10x और माइनस 20x, ये हो गया माइनस 10x प्लस 25। तो देख रहे हैं ये भी इसका हो जा रहा है ना, तो कौन सा विकल्प नहीं हो रहा है, ये वाला विकल्प नहीं हो रहा है। एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री इनमें से कौन है, तो ये किस आइडेंटिटी पर आधारित है, ये है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, तो ये आइडेंटिटी होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो देख लीजिए ठीक इसी पर आधारित अगर है, तो एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ x की जगह x है और सॉरी ये a है, सॉरी ये हमने गलत लिख दिया था a, तो a की जगह 2 है और b की जगह 3 है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और 2 जोड़ 3 5 5 एक्स और ये हो जाएगा 6। तो ये हमारा d नंबर ऑप्शन आ रहा है सही। अब 6 नंबर है 8x स्क्वायर वाई और माइनस 32x वाई स्क्वायर का साठ गुणनखंड, यानी कॉमन जो दोनों में है क्या है, तो दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 8x स्क्वायर वाई इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, और ये माइनस 32x वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 8 इंटू माइनस 4 ये 32 हो जाएगा, माइनस 32 हो जाएगा इंटू एक्स इंटू वाई। तो जो सार गुणनखंड होगा तो देखें सार मतलब जो दोनों में है, तो यहां 8 है यहां भी 8 है, ये हो गया, और फिर यहां पर x है यहां भी x है, और ये y यहां है और ये y यहां है, तो हमारा सार गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर हो गया ये c नंबर 8xy। क्वेश्चन नंबर 7, 8a क्यूब माइनस 2a,
तो इसका गुणनखंड करना है 8a³ - 2a। तो यहां पर ये 2a है, तो ये हम इसको फिर चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, इंटू ए इंटू ए इंटू ए, और ये -2 इंटू ए। तो दोनों तरफ कॉमन क्या है, ये 2 है एक और ये ए है, तो इस साइड क्या बच रहा है, ये तो 2 हमने निकाल लिया है कॉमन में, तो 2 दूना 4, ये हमने ए ले लिया, तो ये ए इंटू ए स्क्वायर, और ये इधर से तो हमने दोनों ले लिया, तो ये बच गया 1। तो इसके बाद फिर हम देख रहे हैं 2a, और इसे फिर हम 2a का होल स्क्वायर और ये -1 को 1 स्क्वायर लिख रहे हैं। तो ये 2a और ये ए स्क्वायर -b स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा 2a+1 इंटू 2a-1। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही है। 15x² y का अभाज्य गुणनखंड होगा, कौन सा होगा, तो ये निश्चित रूप से बहुत आसान है, ये डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, x² - 9 का गुणनखंड होगा, तो ये क्या होगा, बहुत आसान है, x² - 9 को हम लिख रहे हैं 3² तो ये हो जाएगा a² - b² के फॉर्म में x+3 इंटू x-3। तो ये कौन सा है हमारा, ये सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, a² + 2ab + b² ये तो हमारा आइडेंटिटी ही है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आइडेंटिटी क्या है, a² + 2ab + b² तो ये इक्वल टू हो जाता है a+b² अर्थात a+b × a+b, तो ये हमारा ए नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 11, 3x+9 का गुणनखंड, 3x+9, तो हम देख रहे हैं दोनों में क्या कॉमन है, 3 है, x प्लस, और यहां पर क्या बच गया, 3, क्योंकि देखिए 3 × x 3x, और ये प्लस हो गया, 3 × 3 9, तो ये हमारा कौन सा सही है, ये बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, इसका गुणनखंड क्या होगा, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, 9x कॉमन आ जाएगा, तो यहां बच गया ये 9x × 1 - 3y, ये बी नंबर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 13, 761² - 239², तो ये a² - b² पर आधारित है, तो ये क्या हो जाएगा, 761² - 239² बराबर हो जाएगा 761+239, और ये गुना 761 - 239, तो ये हो गया, ये जोड़ लीजिए तो 9 1 10 0 1 6 3 9 1 10 0 1 7 2 9 1 10 हो गया, ये 1000 सॉरी 1000 ये इंटू, अब इसको घटा देंगे 11 से 9 2, ये 5 से 3 गया तो हो गया ये 5 से 3 2 सॉरी फिर से देखते हैं, ये इधर से एक लिए तो 1 11 से 9 हो गया 2, तो ये हो गया 5, और 5 से 3 गया तो 2, और इसके बाद 7 से 2 गया तो ये 5, तो ये हो गया हमारा 5 2 2, और ये 3 शून्य बैठा देंगे, ये यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख 5,22,000। तो यहां पर देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा आ रहा है, ये सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14,
फिफ्टीन एक्स वाई इंटू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री वाई इंटू एक्स माइनस थ्री वाई का गुणनखंड करना है हमें। तो आइए इसे हल करते हैं। फिफ्टीन एक्स वाई इंटू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस थ्री वाई इंटू एक्स माइनस थ्री वाई, पहले इसको हम गुना करते हैं तो ये हो जाएगा फिफ्टीन एक्स स्क्वायर वाई माइनस ये फिफ्टीन, और सॉरी ये तो बहुत आसान है, ये तो देखिए दोनों ये एक्स माइनस थ्री वाई है, यहां भी एक्स माइनस थ्री वाई है, ये कॉमन आ गया एक्स माइनस थ्री वाई। तो यहां बच गया क्या फिफ्टीन एक्स वाई माइनस थ्री वाई, और ये फिफ्टीन एक्स वाई और माइनस थ्री वाई ये तो वैसे ही रह गया x माइनस थ्री वाई, इसमें और कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन यहां पर कॉमन हो जा रहा है, क्या कॉमन हो रहा है थ्री वाई, तो यहां बच जाएगा फाइव एक्स है ना, तीन बचे पंद्रह और ये पंद्रह एक्स वाई ये हो गया माइनस ये वन, तो हम इसको थोड़ा सा सजा के लिखेंगे तो ये ऐसा होगा थ्री वाई एक्स माइनस थ्री वाई इंटू फाइव एक्स माइनस वन। तो ये तो हमारा आ गया, ये कौन सा ऑप्शन देख लीजिए ये बी नंबर, बी नंबर है ना, ऐसा ही है ठीक है, ये ऐसा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15, तो इसे फिर हम रीअरेंज करना पड़ेगा। ये है 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर, तो इसे यहां पर हम ऐसा करते हैं 25 स्क्वायर है यहां माइनस और इधर एक ब्रैकेट डाल देते हैं, तो ये हो जा रहा है 4 बी स्क्वायर माइनस 28 बी सी प्लस 49 सी स्क्वायर। चूंकि ये पहले माइनस था, यहां पर हमने ब्रैकेट के पहले माइनस था जब ब्रैकेट डाला, तो इधर का सारा चिन्ह बदल जाएगा प्लस माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो गया 25 ए स्क्वायर, और यहां पर आप देखिए ये हमारा किस फॉर्म में है और क्लियर कर देते हैं, ये हो गया 2b का होल स्क्वायर और यहां पर है 7c का होल स्क्वायर, और ये माइनस है, देखिए अगर इसे a मानते हैं इसे b, तो ये हो गया 2 इंटू 2b इंटू ये 7c, देखिए हो गया 2 दूने 4 सते 28 है ना, तो ये हमारा किस आइडेंटिटी या सर्वसमिका पर आ रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो और एक जगह यहां हो जाएगा 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब देखिए ये किस फॉर्म में आ गया, ये 5a होल स्क्वायर, 5a का होल स्क्वायर माइनस 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये एक और जो आइडेंटिटी है हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर उसके अनुसार आ गया, तो ये हो जाएगा ये a और ये b, तो ये हो जाएगा 5a प्लस 2b माइनस 7c और ये हो जाएगा 5a माइनस 2b प्लस 7c, ये प्लस क्यों हो गया क्योंकि पहले हम माइनस दे रहे थे इसलिए चिन्ह यहां वाला बदल गया, तो इसमें देख रहे हैं कौन सा हमारा आ रहा है पहला वाला, देखिए पहला वाला है 5a प्लस 2b माइनस 7c, 5a माइनस 2b प्लस 7c ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। यहां 16 क्वेश्चन नंबर 16, 12 ए स्क्वायर बी प्लस 15 ए बी स्क्वायर इसका गुणनखंड करना है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है हम देख रहे हैं, इन दोनों में क्या कॉमन क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा 3ab, तो यहां क्या बच जाएगा फिर ये 4 तीन सौ के 12 होता है 4a ये बच गया प्लस ये 5 चूंकि 15 है ना, तो 3 बचे 15, ये तो हमने यहां से ले लिया है, तो क्या बच जा रहा है b,
देख लीजिए, फिर से गुना करके देख लीजिए तो इतना आ जाएगा, आता है कि नहीं, 3 × 6 = 12 ए इंटू ए स्क्वायर बी, ये हो गया, और इधर 3 × 6 = 15 ए बी स्क्वायर। तो ये कौन सा सही है, 3AB, ये वाला बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, 12x + 36, तो इसमें क्या कॉमन होगा, निश्चित रूप से इसमें 12x + 36, और इसे अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें तो ये अगर हम 12x और इस तरह से करते हैं तो ये 12 × 3 हो जाएगा, तो कॉमन क्या हो, क्या हो गया, 12 और x + 3, ये देखिए पहला ए नंबर ही सही है। 14PQ + 35PQR, तो इसे कॉमन क्या होगा, तो ये 7 हो गया यहां से, और देख रहे हैं P यहां भी है, यहां भी है, तो ये P हो गया और Q भी दोनों में है, दोनों साइड में है, तो ये Q कॉमन हो गया। अब यहां क्या बच जाएगा, तो यहां 2 बच गया, और यहां 7 × 6 = 35 PQ हमने निकाल लिया, बच गया R, तो ये कौन सा है हमारा, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसे थोड़ा सा ग्रुपिंग करना पड़ेगा, 6xy − 4y + 6 − 9x, एक ये ग्रुप और एक ये इधर ग्रुप, तो ये इसमें क्या कॉमन है देख रहे हैं, इसमें कॉमन है 2y, यहां बच जाएगा 3x − 2 प्लस, अब यहां क्या कॉमन आ रहा है, 3, तो ये 2 − 3x, इसका 2y 3x − 2। अब यहां पर एक चीज देख रहे हैं कि यहां 3x − 2 है और यहां 2 − 3x है, तो अगर इसमें से हमको कॉमन निकालना है तो हमें 3x − 2 इसको करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये प्लस है ना, इसका चिन्ह हम बदल के माइनस कर दे रहे हैं, तो 3, तो इधर उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x − 2 हो जाएगा, अब हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा कॉमन हो गया 3x − 2, और इधर बच जाएगा 2y − 3, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है सही आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 20, x² + xy + 8x + 8y, तो इसे भी हम दो ग्रुप में कर दे रहे हैं, x² + xy, यानी इसको हम कर सकते हैं कि ये और ये, तो यहां से कॉमन क्या निकल गया, x और x + y, यहां से कॉमन निकल गया 8x + y, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, x + y, तो इधर क्या बच जा रहा है, x + 8, तो ये कौन सा सही है, ये पहला वाला ही सही है, ए नंबर। आशा है कि ये जितने भी प्रश्न हमने बताए ये आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर इसके बाद भी पहली बार एक बार में समझ में नहीं आता है तो इसे बार बार पॉज करके देख के समझने की कोशिश करें, इसके बाद भी कहीं दिक्कत होती है तो अपने शिक्षक से संपर्क करें। धन्यवाद।